चाय के बागान में काम करने वाले हर एक व्यक्ति की सेहत, सुरक्षा और भलाई उतनी ही जरूरी है जितनी के चाय की पैदावार। ट्रस्टी संस्था ने हमेशा से चाय बागान से जुड़े हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अमल किया है। आइए चाय बागानों में काम करने वालों की सेहत और सुरक्षा पर चर्चा करते हैं। ट्रस्टी के नियम अनुसार सबसे पहले चाय बागान में सरकार स्वीकृत सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति या पॉलिसी को अपनाएं और मजदूरों को इस नीति या पॉलिसी के बारे में जानकारी दें। ये सरकारी पॉलिसी चाय बागान में काम करने वाले हर मजदूर के लिए है, फिर चाहे वो स्थायी मजदूर हो या अस्थायी मजदूर हो। सेहत और सुरक्षा से संबंधित ये पॉलिसी तीन बातों पर गौर फरमाता है, संस्था से जुड़े महत्वपूर्ण खतरे, व्यापार के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित सभी नियमों का पालन, सुरक्षा संबंधित कार्य में सुधार। चाय बागान में काम करने वाला हर मजदूर कई खतरों का सामना करता है। सांप का काटना, खतरनाक जानवर के हमले से घायल होना, स्प्रेइंग में इस्तेमाल किए गए रासायनिक पदार्थों से संक्रमित होना, बिजली के तार से घायल होना, ऊर्जा के फैलाव से संक्रमित होना, किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना इत्यादि से हर मजदूर हर रोज जूझता है। चाय बागान के मालिक का कर्तव्य है कि वे इन दुर्घटनाओं को रोके और अगर दुर्घटना होती भी है तो उनका रिपोर्ट करें और उनका रिकॉर्ड ट्रस्टी स्वीकृत रजिस्टर में 48 घंटे के अंदर दाखिल करें, ताकि आने वाले कल में वही दुर्घटना घटने से पहले अपना बचाव कर सके। दुर्घटना के रिकॉर्ड रजिस्टर में दुर्घटना का कारण, घायल मजदूर की स्थिति, इलाज की सारी जानकारी, मुआवजे की जानकारी वगैरह होना बहुत जरूरी है। घायल मजदूर के प्रति संवेदनशीलता मालिक वर्ग के इंसानियत की पहचान है। चाय के बागान में इमरजेंसी के तौर पे फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए, जिससे छोटी छोटी दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके और अस्पताल या डॉक्टर तक जाने से पहले मजदूरों का प्राथमिक इलाज किया जा सके। फर्स्ट एड बॉक्स में जरूरी मेडिसिन और चिकित्सा की सामग्री होनी चाहिए। याद रखें, कभी भी एक्सपायर्ड दवाई या सामग्री फर्स्ट एड बॉक्स में न रखें। फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी दवाई होनी चाहिए उसकी लिस्ट डॉक्टर से लें। चाय के खेतों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के उपकरणों में सबसे अहम है PPE किट या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। खेत में काम करने वाले प्लकर यानी जो पत्ते तोड़ते हैं और स्प्रेयर जो केमिकल स्प्रे करते हैं, दोनों के लिए PPE आवश्यक है। कौन से काम के लिए कौन से PPE का इस्तेमाल करना सही है उसकी जानकारी खेत के मालिक और वहां काम करने वालों को विस्तार में होने चाहिए। चाय बागान के किसानों को ये ध्यान रखना है कि हानिकारक पदार्थों के इर्द गिर्द काम करने वाला हर मजदूर PPE पहन के काम करे। PPE की सामग्री मजदूरों के काम के प्रकार के आधार पर मजदूरों में बांटा जाना चाहिए। स्प्रेइंग करने वाले मजदूरों के लिए ग्लव्स, मास्क, बूट जूते, गॉगल्स, सर ढकने की टोपी और स्प्रेइंग सूट का प्रबंध करें। पत्तियां तोड़ने वाले मजदूरों के लिए बूट जूते, ग्लव्स, छतरी और एप्रन का प्रबंध करें। मजदूरों का काम अगर चंद मिनट का भी हो तो भी उन्हें बिना PPE पहने काम में नियुक्त न करें। जब PPE सूट इस्तेमाल में न आ रहे हो तो उन्हें सुरक्षित जगह पे स्टोर करें। PPE सूट्स या कपड़े मजदूरों में बांटते वक्त उसका रिकॉर्ड रखें, जैसे कितने PPE बांटे गए हैं, मजदूरों के नाम और उनके काम का प्रकार वगैरह। याद रखें, चाय के खेत में हानिकारक रासायनिक पदार्थ से जुड़े काम में किसी भी महिला या 18 साल से कम उम्र की व्यक्ति को नियुक्त न करें। ये ट्रस्टी के नियम और कानून के खिलाफ है। चाय की खेती में किसी भी नाबालिग मजदूर को भी काम पे न लगाएं। ये बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अनुसार संपूर्ण रूप से वर्जित है। चाय की खेती में मजदूरों को नियुक्त करने से पहले हानिकारक रासायनिक पदार्थ को पहचाने और उनकी व्यवहारिक सूची बनाएं। साथ ही साथ
उस हानिकारक माहौल में काम करने वाले हर मजदूर का नाम, काम शुरू करने की तारीख वगैरह सूचीबद्ध करें। चाय के खेत में काम करने वाले हर मजदूर को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो, इसका खास ध्यान दें। ध्यान रखें पीने के पानी का इंतजाम नाला या शौचालय से 6 मीटर की दूरी पर हो। इस फासले को बफर जोन कहा जाता है और जहां किसी भी प्रकार के केमिकल स्प्रे करना मना है। साथ ही कपड़े धोने के लिए स्वच्छ पानी, नहाने के लिए स्वच्छ पानी और साबुन का बंदोबस्त करें। कपड़े धोने या नहाने के लिए पर्याप्त जगह का इंतजाम होना चाहिए। कपड़े धोने और नहाने के बाद उस गंदे पानी का सही ड्रेनेज जरूरी है। ध्यान रखें केमिकल मिलाया हुआ पानी दूसरे कामों में इस्तेमाल होने वाले पानी से न मिल पाए। ट्रस्टी कार्यक्रम हमेशा प्रोत्साहित करती है कि खेती से जुड़े हर व्यक्ति के साथ सम्मान और निष्पक्षता का व्यवहार हो। खेत में काम करते हुए मजदूरों को किसी तरह की मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े, इसका खास ध्यान देना जरूरी है। खेत में काम करने वाली महिलाओं के प्रति किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न या निवारण, निषेध एवं निदान 2013 के सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के अनुसार जुर्म माना जाता है। यानी कोई आदमी अगर किसी महिला को यौन उत्पीड़न करता है तो वो अपराधी माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुर्म साबित होने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये जानकारी चाय बागान के मालिक को और वहाँ काम करने वाली हर एक औरत को भी होनी चाहिए। दूसरे ट्रेनिंग रिकॉर्ड के साथ इसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी मौजूद होना चाहिए। ट्रस्टी का लक्ष्य है चाय के खेतों को सुरक्षित बनाना ताकि काम करने वाला हर कर्मचारी खुशी खुशी काम कर सके। आइए ट्रस्टी के नियमों का पालन करें और चाय बागान के सभी कर्मचारियों की सेहत, सुरक्षा और भलाई के हित में अपना फर्ज निभाएं।